कभी गोविंदा की फिल्में देखकर अपना समय व्यतीत करते थे एसीपी रवि प्रकाश सिंह। एक समय ऐसा आया था जब उन्हें करियर को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर उनकी मेहनत रंग लाई और आज वो एसीपी बनकर कई युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। न्यूज 18 लोकल ने एक खास इंटरव्यू में जाना उनकी इस जर्नी के बारे में। देखिए, सपने निश्चित रूप से व्यक्ति खुद देखता है, बट कहीं ना कहीं उसकी बैकग्राउंड आपके परिवार की भी होती है, और साथ साथ उसको हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारे दोस्त कैसे होते हैं, उसका योगदान होता है। तो सपने में मेरा भी योगदान है और मेरे अभिभावकों का भी मार्गदर्शन है। तो मैं इनिशियली सिविल सर्विसेज में नहीं आना चाहता था, मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया जो कहेंगे करियर को लेके वो साइंस था, फिजिक्स था। मैं फिजिक्स में पीजी करना चाहता था और इसी के लिए मैंने बीएससी ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया था, बट कोर्स ऑफ टाइम में मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ इंटरेस्ट हुआ और फिर मैं इस दिशा में प्रिपरेशन चालू किया। तो अब आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? मान लीजिए अभी आपके पास कोई काम नहीं है तो आप किस इंटरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं? तब भी मेरा इंटरेस्ट रीडिंग था, आज भी रीडिंग है। किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं? हर तरीके की, फिक्शनल भी नॉन फिक्शनल भी। अभी मैं इस समय जैसे बता दूं तो मैं फिक्शनल पढ़ रहा हूँ, एक नरेंद्र कोहली का नॉवेल है महाशमर, महाभारत को फोकस करके उन्होंने उपन्यास लिखा है, काफ़ी लेंथी उपन्यास है, ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार पेजेज का है। तो मैंने चालू किया है, पुलिस की जॉब में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट जितना भी मिलता है मैं उसको पढ़ता हूँ। और किसी खेल में कोई रुचि आपकी? बैडमिंटन कब से खेलते थे या कभी मौका मिलता है? ये भी बचपन से ही था, बचपन से बैडमिंटन में इंटरेस्ट था, आज भी बैडमिंटन में। इसके अलावा रनिंग, कभी कभी पुलिस की जॉब स्ट्रेसफुल है तो रनिंग इज वेरी मच हेल्पिंग इन पुलिस जॉब। और भी जो भी स्ट्रेसिंग जॉब है तो आप अगर आप रनिंग करते हो, इवन देन बैडमिंटन भी इस कोर्स अच्छा है कि अगर आप करते हो तो आप काफ़ी रिलैक्स होते हो। एक सवाल ये भी कि कई बार फिल्मों में भी पुलिसिंग को और पुलिस व्यवस्था को काफ़ी बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, जैसे कि दो उदाहरण सिंघम या दबंग। जब लोग इन्हें देखते हैं पर्दे पे तो एक पुलिस के लिए अलग छवि बनती है। आप मान लीजिए कई एस्पिरेंट्स हैं वो भी उस तरीके से खुद को इमेजिन करने लगते हैं, तो आपकी उस पर क्या राय है, क्योंकि आप तो वो भूमिका रियल लाइफ में निभा रहे हैं। देखिए, वो तो मूवी जो होती है वो फिक्शनल होती है, वो तो एक फिक्शन है, और निश्चित रूप से हमारे जज्बातों को, उसका उद्देश्य ये है कि पब्लिक में पुलिस को लेके एक जो जज्बात है उसको हम ज़्यादा मात्रा में ओवरहेम्ड करके दिखाएं। बट जो रियल पुलिसिंग है, मैं यही बताना चाहूँगा कि रियल पुलिसिंग में हमारे पास लॉ होते हैं, कानून होती है, व्यवस्था होती है, एक मशीनरी होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके से हमें पुलिसिंग फंक्शन करनी होती है। और उसमें भी आपको सिंघम बनने का, जब आप किसी गरीब का, जब किसी के साथ हो रहे अन्याय का प्रतिकार करते हो तो आप रियल सिंघम हो और उस तरीके से करिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है फिल्मों में, जैसे आउट ऑफ लॉ हो जाएगा वो जो उसकी अथॉरिटी है, पावर है, ये जो है, ऐसा कुछ रियल लाइफ में, रियल पुलिसिंग में ऐसा आउट ऑफ लॉ कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर आपको पुलिस का रॉबिनहुड पांडे बनना है तो वो भी समाज की सेवा करके ही बनना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और विद इन लॉ बनना है, लॉ की सीमा के अंदर बनना है। एक सवाल ये भी कि जब आप 18 से 21 वर्ष के रहे थे उस वक्त आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था? डिस्ट्रैक्शन ये सबसे, जो आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये हमारा एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। इसको अब 18 नहीं, अब इसको और भी कम कर लो, आप 15-16 से कर लो तो 21 तक हम लोगों को सभी को पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट तो थोड़ा आप अपने डिस्ट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि अब आप वो एम हासिल कर चुके हैं मुकाम, तो ऐसे कई व्यूअर्स हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए किसी को किसी से प्यार होता है, किसी के लिए नशा या किसी की आर्थिक संकट, अलग अलग चुनौतियाँ हैं, तो आपके लिए क्या एक चुनौती थी? हम लोगों के लिए चुनौती थी एक ग्रुप था, घूमना, खूब घूमना, और उसके बाद हमारे समय में मोबाइल आ चुके थे और फिल्में आ चुकी थी, जो पेन ड्राइव में मूवीज मिलती थी, हम तो सोचते थे कि आज पढ़ेंगे 12 बजे रात तक, फिर शाम को गए पेन ड्राइव में मूवी डला लाए, बैठ के मूवी देख रहे हैं, फिर रात को सोते समय अरे आज तो पूरा टाइम बर्बाद हो गया, कल से पढ़ेंगे, फिर कल वही। तो ये बहुत मोबाइल और मूवीज और ये सब घूमना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था। एक इसमें सवाल ये भी है कि ज़िंदगी में क्या आपका कोई प्यार या ऐसी कुछ आपके साथ कहानी जुड़ी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, या कभी कॉलेज स्कूल टाइम में? नहीं, इन सर्विस के समय जिससे मेरी बातचीत चालू हुई या रिलेशन डेवलप हुआ, अंत तो फाइनली मैरिज भी वहीं पे हुई मेरी, बट स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में ऐसा कुछ नहीं था।
तो उनसे ही आपकी मैरिज हुई, जिनसे आपकी बात शुरू हुई। अब आखिरी सवाल एक ये बता दीजिए कि जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं, अपने अलग अलग फील्ड्स की तैयारी वो कर रहे हैं, वो किस तरीके से एक टनल विज़न होता है कि फोकस रहना है हमें, वो किस तरीके से रहे और इसकी तैयारी का वो डिप्रेशन भी ना ले। देखो, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तैयारी प्रिपरेशन के लिए कि आप फोकस्ड रहो। आपको इस पर ये फोकस होना होगा कि बेसिकली हमें करना क्या है। होता क्या है कि हम डिफरेंट दिशा में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, वो ना करो। आप एकदम फोकस्ड कर लो और फोकस्ड करने के बाद टाइम, जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे छोटे भाई मेरी तैयारी करते, इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे तैयारी का। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, होम स्टडी ग्रुप। उस ग्रुप में मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि उन लोगों से जो भी हमारे दो भाई तैयारी करते हैं उनसे कहता हूं कि आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम का टारगेट क्या है। उन्होंने बताया कि मेरा ये एग्ज़ाम इतने समय में है, मई में है, मुझे प्रीलिम्स देना है। हम कहे बस अब आपको केवल इतना ही सोचना है कि मुझे मई 20 मई को प्रीलिम्स देना है। अब आप जो है पूरी अपनी जो 20 मई को प्रीलिम्स देने के लिए आपको जितनी ज़रूरत है पढ़ाई की, जितना आपका सिलेबस है, उसको आप मंथ में बांटो कि आज जो है इतना इस मंथ में, इतना इस मंथ में, इतना इस मंथ में रिवीजन, इस मंथ में ये मुझे करना होगा। उन्होंने बांट लिया। फिर मैं उसको कहता हूँ कि आप उसमें से वीकली टारगेट बांटो, उसके बाद वीकली टारगेट के बाद डेली जो है उस जो मेरा होम स्टडी ग्रुप है उसमें आप डालो, डेली मॉर्निंग में ये डालो कि आज मैं इसमें से क्या कंप्लीट करने वाला हूँ वीकली टारगेट में से। और शाम को आप असेसमेंट दो उसी ग्रुप पे कि हाँ जो मैंने सुबह टारगेट इतना दिया था शाम को इतना अचीव कर लिया। अगर हम इस तरीके से टुकड़ों में बांट दें अपनी पूरी प्रिपरेशन को तो आपके ऊपर पूरे एग्जाम का प्रेशर भी नहीं होगा, पूरे सिलेबस का प्रेशर भी नहीं होगा। आपके लिए बस चैलेंज इतना है कि आपके पास छोटा सा 3 टॉपिक मैंने मॉर्निंग में डाला और आपका चैलेंज पूरे एग्जाम का नहीं, उस दिन का है कि उस दिन शाम को मुझे असेसमेंट देना है कि मैंने 3 टॉपिक पूरा किया। तो हमेशा टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और उस टुकड़े को उस दिन के लिए टारगेट करो और उसको वो व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कर लें कि हम संभव ही नहीं हो। उसको आप जब प्रैक्टिकली पूरा करोगे ना तो बहुत एंजॉय करोगे पूरे प्रिपरेशन को, बहुत अच्छा लगेगा और आपके पास अन्य चीज़ों के लिए भी काफ़ी समय रहेगा।